हो। मगर जंगली बत्तखों ने कहा कि उस जैसी बदसूरत और बेब चाल वाली बत्तख तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। हाँ, जंगल के कोने पर एक छोटा तालाब है, शायद वहाँ कोई बदसूरत बत्तख मिल जाए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि उसे आगे जाना चाहिए या वापस किसान के घर ही लौट जाना चाहिए। इतने में दूसरे बत्तख के बच्चों ने उसे चोंच मारनी शुरू कर दी। झुंड के सरदार ने कहा, तुम्हारी बदसूरती से हमारे झुंड की शोभा बिगड़ रही है लड़के, दूसरे तालाब का पता तुम्हें बता दिया है, फौरन उस तरफ भाग जाओ। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा क्या करता, वो कुछ दिन का सफर और तय करके जंगल के किनारे तक पहुंचा। वहां सचमुच एक दूसरा तालाब था। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा, वो बड़े तालाब वाले सरदार बत्तख इतने बुरे भी नहीं थे, उन्होंने अपने साथ नहीं रखा क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, रास्ता तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। तालाब के किनारे पहुंचकर वो इधर उधर देखने लगा। झाड़ियाँ के पास उसे कुछ और जंगली बत्तख दिख गए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा फौरन उनके पास पहुंचा और पूछा कि क्या वो उस जैसी किसी बत्तख का पता जानते हैं? मगर इस बार भी बत्तखों ने उसे देखकर मुंह बनाया और कहा कि फौरन यहां से भाग जाए, इस तालाब के पास बंदूक वाले शिकारी भी आते हैं और बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जरूर शिकारियों की गोली का निशाना बन जाएगा। बातें हो ही रही थी कि एक तेज आवाज आई, सारे जंगली बत्तख क्वैक क्वैक करते पंख फड़फड़ाते एक तरफ भागे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। इतने में दूसरी तेज आवाज आई और एक दो जंगली बत्तख ढेर हो गए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझ गया कि ये शिकारियों की बंदूक की आवाज है। वो जान बचाकर दूसरी तरफ भागा। भागता हुआ वो एक छोटे से झोपड़े के पास पहुंचा। इतनी देर में उसे भूख भी लगाई थी। तभी उसे झोपड़े के आगे एक टोकरे के नीचे कुछ रोटी के टुकड़े दिखाई दिए। उन्हें खाने बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा टोकरे के नीचे जा घुसा। छप की आवाज आई और टोकरा बंद हो गया। दरअसल वो झोपड़ा एक बुढ़िया का था जिसे कम नजर आता था। वो अपनी कुछ मुर्गियों और अपने कुत्ते के साथ शहर के बाहर ही रहती थी। जंगली चिड़िया पकड़ने के लिए उसने वो फंदा लगा रखा था। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा देखकर उसने सोचा, इसे कुछ दिन अपने पास रखती हूँ, शायद ये कुछ अंडे दे तो उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे घर आएंगे। लेकिन पिंजरे में कई दिन बंद रहने के बाद भी बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा कोई अंडे तो दे नहीं रहा था। बुढ़िया ने एक दिन कहा, एक दो दिन और देखती हूँ, अगर फिर भी इसने अंडे नहीं दिए तो इसे पका कर तो खाया ही जा सकता है। ये सुनते ही बुढ़िया के कुत्ते और मुर्गियों की बाछे खिल गई। मुर्गियाँ चिल्लाई, हाँ हाँ, तू कुछ दिन और अंडे मत दे, फिर बुढ़िया तेरी गर्दन तोड़कर तेरे गंदे पंख नोचेगी और तुझे कढ़ाई में पकाएगी।